हेलो दोस्तों, यह है एरिजर क्रीम जो कि एक आयुर्वेदिक क्रीम है और यह एक एंटी मार्क क्रीम है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें वेट ग्रेन ऑयल और गर्म ऑयल और हल्दी, नीम, रोज़ और केसर मिला हुआ है जो कि स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो वेट गर्म ऑयल जो है विटामिन ई के रूप में काम करता है और हल्दी जो है चेहरे पे ग्रोइंग लाता है, गोरापन लाता है, और नीम जो है एंटीसेप्टिक और स्किन क्लीनर के रूप में इसके अंदर काम करता है, और रोज़ जो है चेहरे पे निखार लाता है, और केसर भी मिला हुआ है जिसके बहुत ही अच्छा कार्य है चेहरे के लिए, और सफ़ेद चंदन मिला है जो एक एंटीसेप्टिक और स्किन क्लीनर, जेंटल एंटीसेप्टिक एंड स्किन क्लीनर के रूप में काम करता है। तुलसी जो है इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के रूप में इसे यहाँ काम करता है। ऑरेंज पील जो मिला हुआ है वो चेहरे को स्मूथ और नरम बनाता है, और एलोवेरा जो है एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल के रूप में इसके अंदर काम करता है। तो ये दवाई चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत उपयोग में लाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा फार्मूला है इसमें, आयुर्वेदिक है यह, और यह इसका रेट जो है 95 रुपये का है। ये 95 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में और हर मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा। तो आइए जान लेते हैं अब इसे कैसे उपयोग करना है। तो इसका उपयोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 से 3 टाइम आप डेली से लगा सकते हैं, या आपके चेहरे में पुराना घाव या का निशान, घाव का निशान या कोई चोट लगा उसके निशान में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और वह जल्दी से आपके निशान को मिटा देगा। इसके डेली यूज से आपके डार्क स्पॉट, ब्लेमिश और मार्क जो है हट जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है यह, दागों को हल्का करे व मिटाए, एक समान रंगत दिलाए, चमकती खिलखिलाती त्वचा लाए, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आजकल बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इरेजर जो क्रीम है उनके लिए बहुत अच्छा है, जो बहुत सारे क्रीम लगा चुके हैं लेकिन उनका जो मार्क है, पिंपल है, वह ठीक नहीं हो रहा है। तो आयुर्वेदिक के रूप में इसे उपयोग करके एक बार ज़रूर यूज करें, यह फ़ायदा ज़रूर दिलाएगा आपको। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।